चांद का मुंह टेढ़ा है, आप कहेंगे बजट का दिन है, नाम बताओ, काम बताओ, ऐलान बताओ, ये क्या कविता की तुकबंदी बताने लगे। दरअसल आज का बजट यही है। आप कहेंगे आलोचना करते हो, हम कहेंगे नहीं, उन वित्त मंत्री की बात का हवाला भर देते हैं जिन्होंने आज का अंतरिम बजट, जिसे कई लोग चुनावी बजट कह रहे हैं तो विपक्षी जुमला बजट कह रहे हैं, वो पेश किया। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले बात बजट की कुछ खास झलकियों की, फिर आंकड़ेबाजी पर आएंगे, आपको कई बजट के पेज बताएंगे और जिस कविता का शीर्षक, जिस कविता के संग्रह का नाम शुरुआत में बताया वो कविता सुनाएंगे। तो अंतरिम बजट पेश किया वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बताया 2022 जब हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब न्यू इंडिया बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। सबके पास घर होगा, सबके घरों में शौचालय होगा, बिजली होगी और किसानों की आय दोगुनी होगी। और क्या कहा, बोले कि 2013 में यानी कि मोदी सरकार आने से पहले हम 11वें नंबर पर थे अर्थव्यवस्था के मामले में, अब 6वें नंबर पर आ गए हैं। वर्ड प्ले भी किया पीयूष गोयल ने, कहा हमने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी, 10.1 ये मुद्रा स्फीति की दर थी, हम इसे घटाकर 4.6 पर ले आए। उनका कहना था कि इसके घटने से लोगों के खर्चे में 35-40% की कमी आई यानी बचत हुई। ये सब बताते हुए पीयूष गोयल ने यह भी स्वीकार किया कि खेती से आमदनी कम हो गई। जी, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बजट में बाकायदा टाइप है, लिखा हुआ है कि किसान की आमदनी कम हुई यानी किसान गरीब हुआ। और इसकी वजह बताई गई कि इंटरनेशनल मार्केट में खेती से जुड़ी चीजों के दाम गिर रहे हैं, और दूसरी वजह यह बताई गई कि जब महंगाई कम हुई तो खाने की चीजों के दाम भी कम हो गए, जिसका असर किसान पर पड़ा। इसके बाद उन्होंने किसान के लिए जो बड़ी स्कीम है उसका ऐलान किया, जिसके बारे में आगे बताएंगे। पीयूष गोयल ने मुक्तिबोध, हिंदी के महान कवि, उनकी एक कविता भी पढ़ी। ये कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, इस शीर्षक के कविता संग्रह से ली गई है, और कविता का जो शीर्षक है वो है मुझे कदम कदम पर। एक पांव रखता हूँ, एक पांव रखता हूँ, हजार राहें फूट पड़ती हैं। पीयूष गोयल ने दो पंक्तियां पढ़ी, हम आपको दो दो चार चार छह छह करके पूरी कविता भी सुनाएंगे और उसकी मदद से बजट भी समझाएंगे। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। तो क्या मिला किसानों को वोट डालने से पहले 2000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा हुई, छोटे और सीमांत किसानों को फिक्स इनकम दिलाने के लिए स्कीम आई। कहा गया कि एक तो इससे किसानों को पूरक आय मिलेगी, दूसरा कटाई के सीजन के समय जो अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है वो किल्लत नहीं होगी। बाकी योजना के डिटेल्स ये रहे। पहला पॉइंट, छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना। दूसरा, 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। आई रिपीट, जिन किसानों की जमीन 2 हेक्टेयर या उससे कम है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा, 2 हेक्टेयर से ज्यादा वालों को नहीं मिलेगा। खसरा खतौनी अपनी चेक नहीं की है तो कर लीजिए, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम है उन्हें हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। और किसानों को ये रुपए कैसे मिलेंगे, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे, एक बार में 6,000 नहीं पहुंचेंगे, 3 किश्तों में 2,000 करके रकम आएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक इस स्कीम से 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा पहुंचेगा। आप सवाल पूछ सकते हैं कि स्कीम लागू कब से होगी, जवाब है 1 दिसंबर 2018 यानी कि बीती तारीख से लागू होगी और 31 मार्च 2019 को इसकी पहली किश्त तब तक बन जाएगी, यानी चुनाव के पहले किसानों के खाते में 2,000 रुपए होंगे। इसमें सरकार का 75,000 करोड़ रुपए सालाना का खर्च होगा। ये तो रही इस स्कीम की बात। किसानों के लिए, खेती के लिए कुछ और ऐलान भी हुए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये योजना ऑलरेडी चल रही है, इसके लिए बजट बढ़ाकर 750 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का ऐलान हुआ है। ये आयोग क्या करेगा, ये गौवंश में संवर्धन कैसे हो, अच्छी नस्ल की गाय कैसे आए, इसके अलावा गायों से जुड़े कानून कैसे बने,
इसका काम आयोग देखेगा। इसके अलावा सरकार ने कुछ साल पहले एक अहम ऐलान किया था कि जो पशुपालन करते हैं या मछली पालते हैं, यानी इनको भी किसानों की कैटेगरी में रखा गया था। और क्यों रखा गया था? ताकि वो किसान क्रेडिट कार्ड ले सकें। अब ऐलान हुआ है कि जो लोग पशुपालन या मछली पालन करते हैं वो अगर कर्ज लेते हैं तो उसमें 2% का उन्हें ब्याज में छूट मिलेगी। अब कविता पर फिर लौटते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पीड़ा मजदूरों की समझी गई, घोषणा पेंशन की हुई। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। योजना आई श्रमजीवी मानधन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। और योजना के डिटेल्स ये रहे। पहली बात, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस योजना का फायदा उनको मिलेगा जो महीने का 15,000 या उससे कम कमाते हैं। और लगभग कितने लोग इस योजना में कवर किए जाएंगे? सरकारी आंकड़ा है 10 करोड़ का। फायदा उन कामगारों को भी मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से 29 साल के बीच है, उनके लिए ये योजना है। लेकिन इस योजना का फायदा लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा? उन्हें पैसे जमा करने होंगे हर महीने। पैसे जितने वो जमा करेंगे उतने ही सरकार भी जमा करेगी, और ये पैसे आपकी एज के हिसाब से तय होंगे। अगर आप 29 साल की उम्र के हैं, यानी कि इस स्कीम में एंटर करने के लिए जो सबसे बड़ी एज है वो, तो आपको 60 साल की उम्र तक, यानी अगले 31 साल तक आपको 100 रुपए हर महीने जमा करने होंगे, तब 60 साल के बाद आपको ये पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है और आप अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दें तो आपकी महीने की किश्त होगी सिर्फ 55 रुपए की। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, और यह भी तय किया है कि स्कीम इसी साल से लागू होगी। काम करते हुए अगर किसी श्रमिक की मौत हो जाती है तो पहले 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था, अब ये रकम भी बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। फिर कविता पर लौटते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, पल भर में मैं सबसे गुजरना चाहता हूं, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूं, इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूं, अजीब है जिंदगी। गुजरती ट्रेन है, मतलब रेलगाड़ी। जी, आज रेल बजट भी आया। पहले से तय था इस बजट में रेल बजट नथी होगा। रेल बजटों का इतिहास रहा है, भारी भरकम तैयारी के साथ आते थे, ये ट्रेन चली, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अब ऐसी शूशा कम होती है। इस बार बस एक पैराग्राफ आया, कहा गया कि रेलवे को बजट में 4,6,5,8,7 यानी कि 64,587 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दो बड़ी बातें कही गई। पहली, जो ब्रॉडगेज लाइन है उस पर अब कोई भी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि पटरी भी गुजर रही, सड़क भी गुजर रही और फट्टा नहीं गिर रहा है। फट्टा अब सब ब्रॉडगेज पर गिरता है। हालांकि कुछ भले जन हैं जो फट्टा गिरने के बावजूद, डंडा गिरने के बावजूद पार करते हैं जैसे उनको जाके किसी का फीता काटना हो। मत काटिए फीता वरना जिंदगी का फीता कट जाएगा। सरकारें डंडे गिरा सकती हैं, जिंदगी और मूर्खता आपका चुनाव है। दूसरी बात रेल बजट की, जिक्र हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस का। देश में ही तैयार ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देगी। 16 कोच की ट्रेन होगी, अधिकतम रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बारे में लगातार खबरें आ ही रही हैं। अब सबसे बड़ी खबर जिसमें नौकरी पेशा लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती, वही ज्यादा बजट को टकटकी लगाकर देखते हैं, टैक्स स्लैब में क्या हुआ, ये हुआ कि वो हुआ। क्या हुआ इनकम टैक्स में? सबसे पहले तो बताया गया कि 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होता था, और अब ये बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गया है। सरकार सबसे ज्यादा कमाई विकास कार्यों के लिए, खर्चों के लिए जो करती है वो इनकम टैक्स के जरिए करती है। एयरपोर्ट, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बन रहे हैं। फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या 3.79 करोड़ जब मोदी सरकार आई थी, तब से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है, यानी कि इसमें भी खूब इजाफा हुआ है। ये सब आंकड़े दे दिए पीयूष गोयल ने, और इसके बाद वो बात कही जिसके बाद तालियां बजने लगी, मोदी मोदी का शोर लोकसभा में होने लगा। ये बात जानना जरूरी है, और ये भी कहना कि शुरुआत में इस बात के चक्कर में बड़ा कंफ्यूजन हुआ। पहले बात सुन लीजिए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू ₹5 lakhs विल गेट फुल टैक्स रिबेट।
कंफ्यूजन इस बात का था कि वित्त मंत्री ने कहा 5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी। लोगों ने समझा कि इनकम टैक्स की छूट की लिमिट सारे टैक्स पेयर्स पर लागू होगी, 5 लाख तक के जो टैक्स लेवल हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता, तो शुरू के 5 लाख रुपए पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा और उसके बाद भी मैं टैक्स पे और जो रिबेट होते हैं बचत वगैरह के वो ले सकता हूं और बचे रकम पे मुझे टैक्स देना होगा। लेकिन झोल यही था, वित्त मंत्री के इस ऐलान के मुताबिक केवल 5 लाख तक की आमदनी वालों को ही ये छूट मिलेगी। अगर आप 5 लाख 2 रुपए भी कमाते हैं तो आप 12,500 रुपए के टैक्स पेयर हो जाएंगे। और क्या बातें, कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ ऐलान है जो बाकी है। मुझे पता है आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि सौरभ ने गलत बता दिया, 5 लाख के ऊपर भी टैक्स छूट है, वो भी बताऊंगा। 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी 5 में अब 1.5 और जोड़ दीजिए, 6.5 लाख हो गया। बैंक और पोस्ट ऑफिस में 40,000 तक जो रकम जमा है और ब्याज में अगर आपको इतनी रकम मिली है, मतलब आपके जमा पैसे पे अगर 40,000 रुपए तक आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस पर अब TDS नहीं कटेगा। पहले 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट होने पर TDS कटने लगता था। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो टैक्स जो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको पैसे का भुगतान करने से पहले ही काट लेता था। टैक्स पेयर ध्यान दें, कुछ जरूरी बातें बाकी हैं जिनको मैंने हिंट कर दिया था पीयूष गोयल की तरह। पर्सनल वेल्थ के मोर्चे पर बजट में एक और अहम ऐलान हुआ, ग्रेच्युटी। अगर आप 10 लाख से ज्यादा मिलती थी अब तक तो उस पर ब्याज लगता था, लेकिन अब नया नियम यह बना दिया गया है, ऐसा ऐलान हुआ है, बजट अभी पारित नहीं हुआ है लोकसभा से, कि 20 लाख रुपए से ज्यादा पर ब्याज लगेगा। ये ग्रेच्युटी क्या होती है, ये जो एक्स ग्रेशिया आपको तनख्वाह से कट कट के जमा होता है, लेकिन मिलता तभी है जब आप एक कंपनी में चपक के 5 साल या उससे ज्यादा काम करें। तो ग्रेच्युटी को लेकर भी 10 लाख का 20 लाख कर दिया है और इससे भी सैलरी वाले लोग खुश हैं। एक हिसाब ये बताया गया कि जिनकी आय लगभग 6.5 लाख तक है उन्हें 0 टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा, 5 लाख तक की आमदनी तो टैक्स फ्री है अब कर दी है सरकार ने। 1.5 लाख रुपए तक आप पोस्ट ऑफिस की NSC, नेशनल पेंशन स्कीम, किसान विकास पत्र, PF, इंश्योरेंस, इन सब के जरिए बचा सकते हैं। और इसके अलावा होम लोन, एजुकेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए भी पैसे बचा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के इलाज में अगर पैसे खर्च किए हों तो वो भी बचा सकते हैं, उसमें फ़ायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाकर 40,000 से 50,000 रुपए तक कर दिया है। मान लीजिए मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तब भी मुझे इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, यानी ये जो 10,000 का डिडक्शन में बढ़ोतरी हुई इसका फ़ायदा सबको मिलेगा, चाहे आपकी 8 लाख तनख्वाह हो चाहे आपकी 80 लाख तनख्वाह हो। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, इसे यूँ समझिए कि पहले सरकार ये मानती थी कि साल भर में मेडिकल और आने जाने वगैरह में आपका 40,000 रुपया तो साल का खर्च हो ही जाता होगा। अब सरकार मान रही है कि नहीं, 40 कम है, 50,000 खर्च होता होगा। एक प्रावधान और आया है, पहले किसी के 2 मकान होते थे तो, और अगर आपने ये सरकार को बता दिया कि भाई साहब सरकार हमारे नाम पे 2 मकान हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भाई साहब मान लेते थे कि अच्छा 2 मकान है, मतलब एक में रहता होगा, दूसरा किराए पर चढ़ाता होगा और हॉक के किराया वसूलता होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब तक आप खुद ही ऐलान न कर दें कि दूसरा किराए पे, सरकार ये मानेगी कि हो सकता है एक में मम्मी पापा रहते हों एक में आप रहते हों, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगा, ये अज्यूम नहीं करेगा कि आप किराया पा रहे हैं। एक चीज़ और आ गई है, पहले किराए से होने वाली कमाई पे TDS कटता था अगर कमाई 1,80,000 से ज़्यादा है, अब इसमें भी 60,000 की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि 2,40,000 तक की कमाई पे TDS नहीं कटेगा। एक और प्रावधान, पहले आप अगर एक मकान बेचते थे तो 3 साल के अंदर आपको दूसरी जगह पे घर लेना होता था, वरना कैपिटल गेन टैक्स लगता था। अब ये नियम 2 घरों के लिए कर दिया गया है, मतलब उसमें से आप एक बेच के ये सब कर सकते हैं। सरकारी योजना के तहत गरीबों के लिए सस्ता घर बनाने वालों को, यानी बिल्डर्स को भी 1 साल तक टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। अब GST की बारी, GST पर मंत्रियों का समूह बनाने की बात हुई है। ये समूह GST काउंसिल के आगे प्रस्ताव रखेगा कि मकान खरीदने वाले लोगों पर से GST का भार कम किया जाए। अभी बिल्डिंग मटेरियल आप खरीदने जाएं तो 18% GST लगता है और बने हुए मकानों पर 12% GST लगता है। ये बात भी दोहराई गई बजट में कि 20 लाख सालाना टर्नओवर की जगह 40 लाख सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को GST से छूट मिले, ये प्रस्ताव GST काउंसिल में उठाया जाएगा। कविता इज बैक। बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और ये देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। बजट पेश करने की बारी आई तो पीयूष गोयल को सबसे पहले याद आए अरुण जेटली। 4 साल से वही तो बजट पेश कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार का। अभी इलाज कराने अमरीका गए हैं,
इसलिए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें याद किया, उनके स्वस्थ होने की कामना की। इधर अरुण जेटली को याद किया गया, उधर जेटली साहब का ट्वीट भी आ गया, उन्होंने जता दिया संदेश पहुंच गया है। इस दौरान यानी कि बजट को पेश करने के दौरान नारेबाजी भी खूब हुई, जय किसान के नारे लगने लगे। मौका वो था जब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसका भी शॉर्ट फॉर्म है पीएम किसान, किसान सम्मान निधि से किसान, इस योजना की घोषणा हुई। 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। एक फिल्म उरी सर्जिकल स्ट्राइक, इसका जिक्र 2 बार हुआ। हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जॉब, नो आंसर सर, ये 2 जुमले हैं, एक सरकारी तंत्र की तरफ से उछाला जा रहा है और एक विपक्ष की तरफ से। बजट में इसका जिक्र कब हुआ? पहली बार तो जब ORP का जिक्र हुआ। We had promised to implement one rank, one pension. This was pending for the last 40 years, but has been resolved by us. और दूसरी बार जब पीयूष गोयल ने कहा कि अब हमने देसी फिल्म वालों को भी सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था दे दी है, अभी तक ये विदेशी जो प्रोडक्शन हाउसेज आते थे उनके लिए ही था, और इसके बाद वो भी चीखे हाउस द जोश। पीयूष गोयल ने ये सब भाषणबाजी की और साथ ही लोगों से कहा, अरे अच्छी फिल्म है, देख लीजिए। और हमें क्या याद आया उनके ये याद दिलाने पर कि देश को एक नया फिल्म समीक्षक मिल गया है जो नेता भी है, अरविंद केजरीवाल कतार में पहले, और अब उनको जोड़ीदार मिल गए हैं पीयूष गोयल। वैसे भाजपा वाले जो उरी के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं वो थोड़ा तो देश के प्रति प्रेम है और थोड़ा इस चीज़ के प्रति भी कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। अभी अभी हाल में आप सबने शायद देखी हो, मेरे को तो उरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर, नारे मोदी मोदी के भी लगे। वित्त मंत्री घोषणा कर रहे थे कि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और उसके बाद मेजें थपथपाई जाने लगी। मोदी सरकार के मंत्री भी यही नारा दोहराने लगे। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. पेश हुआ, सब कैमरे पीयूष गोयल पर रहे, फिर स्क्रीन पर नमूदार हुए नरेंद्र मोदी। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। लेकिन सब प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं है, राहुल गांधी तो कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को रोज का 17 रुपए देना किसानों का अपमान है। इस बजट को वो आखिरी जुमला बता गए। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? और हम क्या बताएं, हम जाते जाते फिर मुक्तिबोध को याद करें जिस कविता को पीयूष गोयल सुना रहे थे। उन्होंने दूसरी सुनाई, हमने उसके बाकी हिस्से सुनाए और आखिरी हिस्सा आखिरी के लिए बचा कर रखा। सुनिए गौर से। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई ये नहीं कि कमी है विषयों की, वरन ये कि अधिक के उनका ही उसको सताता है और वो ठीक चुनाव कर नहीं पाता है।
आज की दी लल्लनटॉप शो में इतना ही। अब आप पर है कि आप सरकार की तरफ से जो बातें हुई हैं उन पर भरोसा करते हैं, विपक्ष जो उन दावों में दरारें खोज रहा है उन पर भरोसा करते हैं, या अपने निरशीर विवेक का इस्तेमाल करके अपने तई ही कोई निष्कर्ष निकालते हैं। जो भी नतीजा निकालें अपने दोस्त लल्लनटॉप को ज़रूर बताएं। और एक ज़रूरी सूचना, लल्लनटॉप के सब वीडियो, सब खबरें सबसे पहले लल्लनटॉप की वेबसाइट पर आते हैं, इसलिए अगर आप उनको सबसे पहले देखना चाहते हैं, समय से देखना चाहते हैं, तो लल्लनटॉप की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें गूगल के प्ले स्टोर में जाकर। वीकेंड शुरू हो गया है, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ वक्त बिताएं, किताबें खूब पढ़ें और काली चमकदार सतहों से यानी ब्लैक मिरर्स से दूर रहें। शुभरात्रि, शुक्रिया।